नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए पासपोर्टम फूड लेकर आई हूँ, यानी कि जो डिलीवरी के बाद खाना खाया जाता है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और आसान सिंधी सिंगियों, जिसे कि कहते हैं हम, यानी डिलीवरी होने के बाद जिसे हम माँ को खिलाते हैं, ये वह है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको छील कर पानी में धोने के लिए डालकर रख दिया है। और इसकी साइज़ भी आप देख लीजिए, इस तरह की इतनी साइज़ की ही होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने रख दी है एक हांडी और इसमें मैंने डाल दिया है घी, क्योंकि हम जो प्रसूति के लिए खाना बनाते हैं वो सारा खाना जो है घी में ही बनता है, तो घी ले लेना है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दो इलायची, क्योंकि इलायची जो होती है गैस नहीं करती है। दे देंगे इसमें जीरा, जीरा थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा इसमें, जीरे को ज़्यादा जलाना नहीं है। अब मैंने यहाँ 3 से 4 टमाटर मिक्सर में पीस के रख दिए हैं, वो डाल दूंगी मैं। ये देखिए हल्का हल्का जो घी पे आ रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें हमारी स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ डाल दिया मैंने काली मिर्ची। काली मिर्ची माँ बच्चे दोनों के दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी और हेल्दी होती है। यहाँ डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर और डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन धनिया पाउडर। लाल मिर्ची की जगह आप इसमें हरी मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डाल दिए, हमारी सारी स्पाइसेस जा चुकी है। ज़्यादा तीखा हमें नहीं बनाना चाहिए प्रस्तुति के लिए। मैंने ले लिया नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार। देखिए टमाटर का पानी जो है सूख चुका है और हमारा जो घी है वो भी इसमें ऊपर की तरफ आ रहा है। इस स्टेज पे हम हमारी जो सिंगी हमने कट करके पानी में डाल के रखी थी उनको डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम हल्का सा भूनेंगे तो इससे क्या होगा, इसमें इसका टेस्ट जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये हमारी सिंगी जो है अच्छे से भून चुकी है। तो अब इस स्टेज पे देखिए तेल भी साइड से छोड़ रही है। तो अब हम इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी इसमें हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। फ्रेंड, अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1 विसल लगवाना है। अगर आप इसे हांडी या किसी कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसे इसकी सिंगी जो है गलने तक हमें इसे पकने देना है। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। हमें इस तरह की ही ग्रेवी इसमें रखनी है, क्योंकि ये ऐसे ही खाई जाती है, क्योंकि इसमें जो ताकत होती है हड्डियों को मजबूत करती है ये। तो ये देखिए पानी डालने के बाद इसे ढक्कन लगा कर मैं रख दूँगी। तो ये देखिए 15 मिनट होने के बाद मैंने इसे एक सर्विंग बाउल में डाल दिया है और इसे मैंने गार्निश कर दिया है धनिया पत्ती से। धनिया पत्ती से इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाता है। आपको ये पासपोर्टम फूड की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में दिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।